ये लो भाई देसी जाट का 3 9 11 ठाठ है, तो वो ठाठाला जो ट्रैक्टर आपके सामने जो आज लेकर आए हैं 54 05 जो डियर गार भाई ने बतावागे। अब भाई जो है इसके भीतर बैठ के किसा फील कर रहा है? राम राम भाई। हाँ भाई, भाई राम राम है। राम राम भाई। तो भाई देसी जाट के ठाठ है जो एसी में बैठ के जो ना कच्चे काट इलेक्शन की जो अरे जो है धूल माटी दर और बिचारे हैं सोता सुवाद है ना भाई। पांच चार साल जिंदगी ये बिच जाएंगे ऐसी लुआई बात चलो धूल माटी से देख के चित्र बैठ के जो है कतिनो नजारे ले रहे हैं नजारे फल आज का दिन तो सेम भाई। अच्छा हाँ भाई आपने जो है देखा जाए आगे जो है ये सामने जो है कितना वेट है सुनील यो 5 क्विंटल वेट जो है भाई ने जो है सामने लगा रखा है। और जो है ये 54 05 जोनडियर का जो है 4x4 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। सुनील यो कैबिन जो है केला था के लोहा था गोल्ड सितारे में लग रहा भाई सामान है। अच्छा इसकी जो फिटिंग वगैरह है वो भी जो है फर्स्ट क्लास दिखाई दे रही है। देखो भाई नीचे जो डीजल का टैंक भी एक्स्ट्रा लगाया होगा उनने यू भी साथ में लग रहा भाई। अच्छा हां ये डीजल टैंक लगा रखा है वो एसी का जुगाड़ किस है मुझे जिस तनो अगर एसी ऊपर चल रहा है ब्लोर तो ऊपर है। अच्छा पंखा ऊपर है और वो इसमें ऑर्डर भीतर इसमें लगा रखा है होगा भीतर। अच्छा ये भाई जो है मुर्गाड वगैरह जो है ये चेंज कर दिए इसके और पीछे जो है भाई जो है जैसा अपना ट्रैक्टर हो उसी हिसाब का जो है ट्रैक्टर आपको पीछे से नजर आओगा ये देखो। और जो है इसमें 16 नोट है इसके जो बैक टायर और जो है वी ट्यूब बाएं साथ जो है ट्रैक्टर है पीछे भी शीशा लगा रखा है और ये जो है ग्लास जो है पीछे ये भी खुलने वाला है और ये जो है गोल्ड स्टार समाणा वालों ने जो है इस ट्रैक्टर पे इसका जो है काम कर रखा है। और इस तरफ से दिखाओ भाई यहाँ भी जो है एक जो है गेट यहाँ पे दे रखा है ये भी जो किसान आसानी से खोल के जो है अपना उठना बैठना इसके अंदर कर सके है। ब्रेक वगैरह अंदर की फिटिंग जो है दिखा दें आपने कितने भी कोई भी गैप नहीं है कितने भी ये देखो बहुत ही शानदार और जो है भाई इसमें ब्लोर वगैरह और जो है बैठने के लिए पूरी व्यवस्था और ये देखो भाई सामने जो है इतना वेट गिर गए अगले टायर पर जो टायर तो नहीं शायद देगा यू पर सोच रहे ये तो बड़े काम खातिर लगेगा। अच्छा दो ट्रैक्टर और रहे अपने दो रहे। अच्छा भाई बता दे रेली माना था मैं क्यों गम बाबा तो पैगा मत लो ट्रैक्टर में बैठ के था लाए एसी केबिन में बैठ के गए। अरे भाई आगे जो वेट की जो है प्रॉपर बढ़िया सेटिंग जो है इसमें कर रखी इनू को ना भाई ऊ लटका दिया वेट भी सुनील एक बार आगे तो खोल के देखा इसने कितके ला रखा है इसमें पीछे भी भाई जो इसमें जो है वेट हैं पिछले व्हील में भी जो है वेट जो है भाई ने डलवा रखे हैं और MRF के टायर में है शक्ति लाइफ वाला। और ये देखो आगे से जो है इसको खोल के जो है दिखाऊंगे और जो है नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन सारी यहाँ है कि भाई कौन सा ट्रैक्टर है ये किसा ट्रैक्टर है। ये देखो सामने से जो ईसा जो आपने ये ट्रैक्टर है अंदर से नजर आओगा इसमें जो है ये अपने जो है इंटर कूलर हो गया और ये जो है डीजल कूलर और ये बैटरी रखी है और भाई कंप्रेसर जो है इसका इस तरफ ये यहाँ पर जो है भाई ने जो है कंप्रेसर जो है फिट कर रखा है समाना वालों ने और प्रॉपर जो है एक तरीके से प्रॉपर फिटिंग जो कर रखी इनको ना कि थूका है बंदला दिया जो है अपने कर दिया चलता। और के जो है डीजल एवरेज वगैरह पर क्या फर्क पड़ा है भाई? भाई मनी है ये हाँ। खाली ट्रैक्टर खड़े में चलावांगे ना हां जो थोड़ा 1921 का ट्रैक्टर ने बेरा पर है अच्छा। तो वैसी चाल पड़े आवाज बदल गया है हां अरे भाई मैं 1200 ही रेस पर कोई फर्क नहीं और डीजल वगैरह भी कोई डीजल में कोई फर्क नहीं पड़ा भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दबदा नहीं ट्रैक्टर ये दबना काम बोर्ड ट्रैक्टर कड़ा दबदा मेरे हां भाई शानदार जो है ट्रैक्टर है। अगर ये लुवाना हो तो क्यों कर लागे भाई यू गोल्ड स्टार वाला पे लागे भाई सामान गोल्ड स्टार वाले लगाओ इसने हाँ। अच्छा और जो किसी भाई ने राय लेनी हो तो अपना नंबर दे दे मेरा 816 850 2726 भाई के पास मशीन भी है धान कटाई की अगर जो है धान कटवाने हो किसी भाई ने तो भी जो है भाई के संपर्क कर सके हैं। और ये भाई ट्रैक्टर इसमें बत्ती भी सारी बढ़ रहा है पीछे बत्ती बढ़े हैं मिलने लगे लुग रहा है सारा सौदा। अच्छा मैंने 100 का नोट भी लाना कि काम करके दिए हैं
फुल व्यवस्था जो है इसकी जो है ट्रैक्टर की कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।